फाइनली अभी हम बारावती स्टेडियम का बाहर में है, तो अभी यहाँ से आप लोग को बारावती स्टेडियम दिखाने वाले हैं। उड़ीसा का सबसे फेमस मिठाई रसगुल्ला, जो कि देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया टूर का एक और नई एपिसोड में। तो अभी हम सो के उठ चुके हैं और अभी सुबह का 7 बज रहा है और आज हम कटक शहर में रुके हुए थे, जो कि यहाँ पर बारावती इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि देख सकते हैं यहाँ से दिख ही रहा है, सामने में है, जस्ट 200 मीटर आगे में है और उसी का बगल में ग्राउंड था, तो यहीं पर हम अपना कैंपिंग टेंट लगाए थे और देख सकते हैं इधर से एक सर्कस भी लगा हुआ है और आगे में रोड के सामने में देख सकते हैं उधर से पूरा मार्केट लगा हुआ है। तो अभी हम फ्रेश नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर फ्रेश होने का कोई सुविधा भी नहीं है, तो यहाँ से महानदी लगभग 2 किलोमीटर आगे में, तो अभी चलते हैं और नदी में पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद आज कटक शहर घूमने वाले हैं। तो अभी हम महानदी तो पहुंच चुके हैं और इधर से देख सकते हैं साइकिल आगे में पार्किंग कर लिए हैं और इधर से अभी देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ी बनाया हुआ है, तो अभी नीचे चल के आप लोग को पूरा यहाँ से मस्त नज़ारा दिखाने वाले हैं और देख सकते हैं यहाँ पर नहाने का भी मस्त सुविधा और यहाँ पर एक बांस का ब्रैकेटिंग किया हुआ है, जो कि उधर गहरा भी है तो उधर जाना मना है। और यहाँ से देख सकते हैं नदी का व्यू कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा है सो। और आगे में उधर देख सकते हैं जूम करके ले रहे हैं, उधर बोटिंग होता है। तो अभी हम पहले फटाफट फ्रेश होते हैं, नहा लिए और यहाँ से निकल चुके हैं और काफ़ी तेज़ भूख भी लगा है, तो अभी चलते हैं और देखते हैं होटल कहीं मिलेगा तो नाश्ता भी करें। रेस्टोरेंट मिल चुका है तो देख सकते हैं पीछे साइड में, तो अभी यहाँ पर चलते हैं और उसके बाद जाके नाश्ता करते हैं। हम होटल के अंदर आ चुके हैं, अभी हम देख सकते हैं बैठे हुए हैं और इधर से मेरा देख सकते हैं पूरी और सब्जी आ चुका है, तो अभी मस्त अभी पूरा खाते हैं और इधर से देख सकते हैं दिखा रहे हैं। अभी हम बारावती स्टेडियम का बाहर में है, तो अभी यहाँ से आप लोग को बारावती स्टेडियम दिखाने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं ये रहा बारावती स्टेडियम और ये उड़ीसा का ओलंपिक एसोसिएशन भी है और देख सकते हैं कुछ इस टाइप का नज़ारा है। और इधर से देख सकते हैं चारों तरफ इधर मार्केट ये सब भी लगता है और आगे में होटल ये सब भी है, तो अभी यहाँ से अंदर की ओर चलते हैं और अभी अंदर का अभी व्यू दिखाने वाले हैं। स्टेडियम के अंदर जाने वाले हैं तो उधर से रास्ता नहीं था, उधर बंद था, तो उधर से अंकल एक थे तो बता दिए कि घूम के आना पड़ेगा, तो अभी देख सकते हैं घूम के इधर से आ चुके हैं और यहाँ पर उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन, तो अभी इधर से चलने वाले हैं और अभी अंदर चल के अभी स्टेडियम का पूरा व्यू लेते हैं और पूरा घूमते हैं। यहाँ पर एक भैया सब थे तो इन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया और अंदर अभी इधर से ले जाएंगे, ये सिक्योरिटी भैया हैं जो कि अभी हम लोग को अंदर ले जाएंगे। 70 दिन लगेगा। सो अभी अंदर की ओर चल रहे हैं। अभी हम स्टेडियम का अंदर आ चुके हैं और यहाँ से आप लोग का स्टेडियम का अंदर का व्यू पूरा दिखाने वाले हैं। स्टेडियम घूम के तो आ चुके हैं तो और उसी का बगल में एक म्यूजियम ऑफ जस्टिस है, तो वहीं पास आ चुके हैं
और यहाँ पर जाने के मतलब म्यूजियम के अंदर जाने के लिए 10 रुपये टिकट लगता है। तो अभी हम लोग के पास कैश नहीं था, तो यहाँ पर जो ये गार्ड अंकल ये सब थे, तो इन सब से हम लोग बात की कि हम लोग के पास तो कैश नहीं है। तो अंकल ने अपना हेड से बात किए, तो उन्होंने बोल दिया कि अंदर जा सकते हैं। तो अंकल सब ने हम लोग को काफ़ी हेल्प किए और अंकल सब से मिल के काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू अंकल। तो अभी अंदर चलते हैं और आप लोग को म्यूजियम में क्या क्या है तो सारा चीज़ दिखाने वाले हैं। म्यूजियम का अंदर में आ चुके हैं और ये देख सकते हैं ये पार्किंग एरिया रहा, तो इधर से साइकिल पार्क कर दिए हैं और देख सकते हैं पार्किंग काफ़ी बड़ा है। और इधर से व्यू देख सकते हैं म्यूजियम का, इधर काफ़ी पार्क टाइप में बनाया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और आगे में इधर म्यूजियम है, तभी उधर ही चलेंगे और देखने वाले हैं अंदर में। म्यूजियम ऑफ जस्टिस तो घुसे थे पर नहीं पाए वहाँ से, तो उसी का बगल में एक नेताजी बल्फ पैलेस म्यूजियम है, तो वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ वहीं पास आ चुके हैं। तो जो कि ये देख सकते हैं नेताजी बर्थ पैलेस म्यूजियम का व्यू, गेट का व्यू रहा। तभी यहाँ से अंदर चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं अंदर का व्यू, काफ़ी खूबसूरत है जो कि देख सकते हैं। अंदर आ चुके हैं और अंदर का कुछ इस प्रकार का व्यू है, देख सकते हैं चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर देख सकते हैं अंदर से गेट का कुछ इस प्रकार का व्यू है। तो यहाँ से भी अंदर चलते हैं और अभी यहाँ पर देख सकते हैं सामने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा लगाया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पार्क बनाया हुआ है जो कि घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इधर से इंट्रेंस जो कि देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा है एरो इधर जाने का। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसी के अंदर है नेताजी का सारा यहाँ म्यूजियम में दिखाया हुआ है। तभी यहाँ से चलते हैं और अंदर में चल कर देखते हैं यहाँ भी वीडियो बनाना अलाव है या नहीं। तो देख ही सकते हैं चारों तरफ का व्यू काफ़ी सुंदर है और कितना हरा भरा सा है। और यहाँ पर एक और बोर्ड मिल गया जो कि यहाँ से एरो इधर लगा हुआ है। और ये दीवार में देख सकते हैं काफी सुंदर पेंटिंग किया हुआ जो कि देख ही सकते हैं। और यहाँ अंदर में जाके पूछे तो यहाँ का जो गार्ड अंकल थे उन्होंने बोल दिया कि अंदर में वीडियो करना अलाउ नहीं है। तो अभी हम मोबाइल को बंद कर देते हैं और अभी पहले घूम के आते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मभूमि कटक बोक्सी बाजार में है जो कि अभी हम लोग घूम भी लिए हैं और यहाँ से अभी निकल ही रहे हैं। तो इधर से भुवनेश्वर रास्ता देखते हैं। आगे में एक अंकल बताएं कि पूरी घाट है वहाँ से घूम जाना, देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू। भुवनेश्वर की ओर जा ही रहे थे तो यहाँ पर उड़ीसा का सबसे फेमस मिठाई है रसगुल्ला जो कि देख सकते हैं पूरा जहाँ तक लाइट जा रहा है कैमरा वहाँ तक पूरा लगा हुआ है। इधर से देख सकते हैं यहाँ पर येलो येलो कलर में है और ये सब भी देख सकते हैं ढेर सारा मिठाई है और काफ़ी यहाँ पर अभी भैया खिलाएँ तो काफ़ी अच्छा लगा। और इधर से देख सकते हैं आग से बनता है जो कि देख सकते हैं यहाँ पर बन भी रहा है। तो यहाँ का रसगुल्ला काफ़ी अच्छा लगता है, जो व्हाइट वाला रसगुल्ला उससे थोड़ा सा डिफरेंट है और उससे थोड़ा और ज़्यादा टेस्ट लगता है। वो
भुवनेश्वर अभी हम पहुंच चुके हैं और अभी रात का 8 भी बज रहा है, तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कहीं रहने का व्यवस्था, अभी तक तो जुगाड़ नहीं हो पाया है, तो अभी देखते हैं कहीं ग्राउंड ये सब मिलेगा तो वहीं पर आज भी टेंट लगाने वाले हैं।